दोस्तों, झारखंड राइडर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के बज चुके 8 और काफी ठंड ना मैडम जी। और हमारे यहाँ दूध आ गया है, एक पाव दूध है। सुबह सुबह एक पाव ही लेते हैं, दोपहर में ले लेते हैं 2 kg। तो दूध आ गया है, चाय वाय सब पी ही लिए हैं, निकलेंगे किसी गांव की ओर। कितना ठंड है ना, और जब मैं थोड़ा सा घर में रुक जाता हूँ और मुझ में आलसीपन आ जाता है, अभी तक निकल नहीं पा रहा, जबकि चाय पीठा भी हो गया, नाश्ता उश्ता भी हो गया, तो निकलते हैं जी हम। तो दोस्तों, आज हम बड़ा बड़ा बर्तन लेके जा रहे हैं। ये बड़े बड़े बर्तन हैं जो कि शादी विवाह पार्टी उत्सव में लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम निकलेंगे किसी गांव की ओर, और चलिए हमारे साथ बने रहिए लगातार, और मैं उस गांव के मार्ग का दृश्य दिखाता हूँ और दुकानदारी करते हैं, कुछ कुछ नया दिखाऊंगा आज मैं। अब हमारे साथ लगातार पनीर। तो घर से निकले थे तो कुछ दूर बाद हम इस तरह का फल दुकान मिला, तो सोचे आज कुछ मौसमी जूस भी पी लिया जाए, तो फटाफट अभी बनवाते हैं और पीते हैं, थोड़ा एनर्जी मिलेगा तब तो हम आप लोग को दिखाएंगे कुछ नया नया वीडियो। इस तरह हमारा डुमरी का बस स्टैंड देख सकते हैं, सुबह का माहौल, इधर मंदिर है, इधर मामा जी भी आए हुए हैं सामने, और वो सत्यम ब्लॉगर आए ब्लॉगर। ठीक है, ठीक ठीक। इस तरह जूस वाले भैया अभी जूस निकालेंगे मौसमी से। इस तरह डुमरी में लगभग हमें सब कुछ हमारे गांव में मिल ही जाता है, अब देख सकते हैं। चलो दोस्तों, कैसे दोस्त? बढ़िया, ठीक। लोग सब मिलेंगे अभी टाइम में, घर में होंगे कोई कोई। गाड़ी को खड़ा करते हैं, घंट को बजाते हैं, फिर यहाँ देखते हैं इस गांव में किस तरह का, देख सकते हैं कैसा कैसा दृश्य। ये चबूतरा है, इस तरह गांव आ चुके हैं और लोग आए हैं सामने, और हमारा दुकान भी इस तरह से लगा है। इस तरह गांव के लोग आ चुके हैं दुकान पर, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कारोबार कैसा होता है या नहीं होता है। फिर भी काम करते रहना चाहिए, कारोबार हो या ना हो। तो अभी हम इस पांची गांव से कहीं और निकलते हैं आगे की गांव। तो यह हमारा गुमला जिला जारी प्रखंड का पांची गांव था, जहाँ पे हमने घंट वंट बजाया, देख सकते हैं इस तरह पांची गांव का यह विद्यालय है। अरे, हम आगे की ओर जा रहे हैं कोई और गांव।
रुककर इस तरह का नज़ारा भी देख लेते हैं। इस तरह देख सकते हैं, ये पिकनिक लायक भी छोटा मोटा जगह है, यहाँ पिकनिक लोग मना सकते हैं। इस तरह से हमारा बाइक है और अब चलते हैं आगे की ओर। जो पुआल के जो मचान दिखाई दे रहे हैं हम उधर ही जाएंगे, तो फिर से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो उस जगह से हम निकल चुके हैं क्योंकि वहाँ के लोग सभी जंगल पहाड़ गए थे और वो लोग 12 बजे आते हैं, तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करता हूँ दोस्तों कोई भी गांव में। और देख सकते हैं अभी बज रहा है 11:30, तो 12 बजे मैं कुछ और कहीं और जा कर देखता हूँ जहाँ पे हमारा उस तरह से दुकानदारी हो सके। तो मैं निकल पड़ा उस जगह को छोड़ के और इस तरह देख सकते हैं जंगलों को पार करते हुए हम निकल रहे हैं आगे की ओर। इधर भी शायद कोई गांव है, जरा हम जा के देखते हैं आज इधर कौन सा गांव है ऐसा, क्योंकि इधर साइकिल मोटरसाइकिल का लीक दो बना हुआ है मार्ग में, थोड़ा सा जा के देखते हैं किस तरह का यह क्षेत्र आगे भी है। इस तरह का भी है जंगलों के ऊपर ऊपर चल रहे देख सकते हैं। लोग कुछ कुछ कटाई में लगे हुए हैं, शायद जटकी हो सकता है। और इधर कौन सा गांव है मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, फिर भी देखता हूँ जाकर पूछता हूँ लोगों से कौन गांव है, उन्हें कौन गांव है। जय गाड़ी, कितना घर है, चल जी गाड़ी आ रोडे है, बगरा दूर नहीं है ना। इस तरह ज़्यादा दूर तो नहीं है, देखते हैं जाकर। हाँ ढंका डेग, ओ शायद चलते हैं एक बार घूमते हैं कैसा क्षेत्र है, ज़रा घूमना भी चाहिए।
तरह से ग्राहक सभी, अरे चट्टान अभी हम इस तरह के कुछ नाले पे पार करते हुए चलते हैं तो देख सकते हैं। तो हमें चट्टान में चढ़ना होगा, तो इतना दूर आ गए हैं तो चलते हैं, चट्टान में चढ़ ही जाते हैं। अरे लोड गाड़ी लेके भी हम चट्टान में चढ़ रहे हैं। इसी में चलना होगा हमें। कौन गांव है? कौन गांव है सर? धोबारी जारी प्रखंड पड़ता है। अब पंचायत जड्डा पंचायत। तो इस तरह अभी हम आए हैं धोबारी गांव में। अब यहाँ का लोग हम डुमरी के हैं। आप लोग याद करिए चाहे जिंदगी ऐसी जी। इस तरह लोग सब तो इस गांव में भी हमारा कारोबार नहीं हुआ, तो हम चलते हैं अपने घर की ओर वापस। तो देख सकते हैं आज मैं आया था प्रखंड जारी गुमला कृत राजकीय कृत प्राथमिक धोबारी। तो यह धोबारी गांव ही है। हम यहां से निकल रहे हैं। कोई लोग विचार भी नहीं किए, कारोबार भी नहीं हुआ और दिन के बज गए 12। अब मेरा भी बज गया 12। तो चलते हैं। अरे बेचने लायक कोई लेबे नहीं किया तो क्या करें, हम घर जाते हैं, कोई नहीं दिया। शनिवार है इसीलिए लेबी का। तो आप लोग कहाँ गए थे? वहाँ पर थी, नहीं देखे थे। अच्छा क्या काट रहे थे? मस्त मस्त ला दिए थे बड़ा बड़ा ढंग का कि आप लोग का बाल बच्चा लोग का शादी ब्याह करने में खाना पीना बनाने बनता। पहले ढंग का कर रखिएगा। आप लोग का तो ढंग का है, यहाँ सेना में रखते हैं ना, आप है ना सेना में, तो काहे लीजिएगा है ये है तो देगा तो ठीक है, कभी ला देंगे। और डुमरी ठीक। इस तरफ हम चट्टान से नीचे उतर रहे देख सकते हैं, और सीधे अगर जाएंगे ना तो खाई में चल जाएंगे, तो सीधे में नहीं जाना है, थोड़ा सा इधर से दाहिने जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं सब जंगलों पहाड़ों चट्टानों के ऊपर का गांव है दोस्तों। देख सकते हैं यह नाला और जो भी हम पिठा उठा खाए जूस वूस पिए सब खेला खत्म। अब भूख लग गया कस के, और आगे भी जतरा लगा है दोस्तों मेला, तो जरा देखते हैं कैसा मेला लगा है ना। चलिए तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए एकदम। अभी हम आप लोग को मेला दिखाते हैं। झारखंड का गुमला जिला जारी प्रखंड में एक मेला लगा हुआ है, चलते हैं वहाँ। इस तरह फिर से उसी खतरनाक रास्ते पे देख सकते हैं, काफ़ी खतरनाक रास्ता। Thank you.
बाप, इतना गहराई देख रहे हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, गिर जाएगा आदमी, चल जाएगा सीधे। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह की है। मैं झारखंड के हर एक गांव को आपको दिखाता हूं वीडियो के द्वारा, और उस गांव में जाने वाले मार्ग किस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं, देश के आज़ादी के बाद भी अभी तक ग्रामीण सड़कों का विकास नहीं हुआ है दोस्तों। भीखमपुर पहुंच चुके हैं, ठीक हो भाई? अब चाहे जिंदगी ऐसी, कैसा किलो डाक्ची? चाहे जिंदगी है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ कैसे दोस्त, ठीक है? नहीं बनाते हाँ। मेला लगा है ना, मेले है ना, तो मेला था लेकिन ठेला ठेला नहीं है, खाली अब तो बड़ा बड़ा बर्तन रखवे नहीं किए हैं जी, रख दे रख दे रहे, थोड़ा सा घूम लेते हैं फिर उतरा देंगे ना। हाँ रख देंगे रख देंगे। अब
मेल लग जाएगा आप लोग का। जल्दी बना यार, भूख लागत है मौके। मुर्ग जोड़ भूख लागत है माई की। 12 बज के लखने हैं तोरे मन। ए बाबा 12 बज के 10 मिनट कैसे किलो लीजिए? कौन सा ले लीजिए? 330 रुपये किलो सब। हाँ जी, गलत थोड़ी लगाएंगे दोस्त, आप तो जानिए रखो चीज छिपल थोड़ी है। 320 रुपये की पूंजी लगा के 10 रुपये जरूर कमाएगा कोई भी, कमाएगा। कर दो तुम किलो में निकाल कहे निकालने का गंदा कर दिए ना। और उसमें डाल दीजिए मेल, निकल गंदा करना है तो डरना कर दिए डालिए। सातों बाजारे कर सातों बाजार भी कब पूरा कौन करना आज मेला है ना, क्या दम रहेगा इतना महंगाई में ना। तो क्या ले लिया? तो इस तरह भीखमपुर मेला से हम निकल चुके हैं, अब तो हम सीधा घर की तरफ भी बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारे घर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं दोस्तों, और मुझे काफी जोरों की भूख लगी है। आज के दुकानदारी पूरा चौपट था। अनमोल इधर बैठा है, आदर्श उधर छिप रहा है। दिखा दिखा, इस तरह आदर्श आज चंदन का टीका लगाया सफेद वाला और पूजा उजा किया है। तो अब हम चलते हैं खाने के लिए छत की तरह। हमें मिल चुका है गर्मा गर्म घी का पीठा, यह मड़ुआ पीठा है और यह घी है। तो फटाफट खाते हैं। इस तरह पीछे मम्मी भी है, भी घी पीठा खाकर पड़ल है। ना रे मम्मी, ठीक है ना? मेरी मम्मी देख रहे दोस्तों, आजकल पूरा बुढ़िया जा रहे, बाल सब उसका पक जा रहा थोड़ा थोड़ा ना। मम्मी कैसा हो गए मम्मी आपका? 65 साल की मेरी माँ।